हेलो गाइस, मैं हूँ अभिनव राठौर और आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। एक्चुअली ये जो होता है ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th में इसका यूज़ फिजिक्स में होता है। और मैं आज आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उन्हें आप अच्छे से सीखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ ये देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। हेलो गाइस, मैं हूँ अभिनव राठौर और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। एक्चुअली जो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही चीज़ें 12th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये जो कुछ हैं 11th क्लास में ये हमारे काम आएगा एज ए वर्क ऑफ द मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, यानी फिजिक्स में इनके मैथमेटिकल टूल काम में आते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर आपको समझना है तो दूसरी वीडियो आपके पास आ जाएगी, पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट, इसके 15 फॉर्मूले होते हैं जो कि हमारे 11th क्लास के लिए काम में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला होता है वैन वाई इक्वल टू सी, सी इज़ ए कांस्टेंट, यहाँ पर लिखा है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है सी। तो जब सी वाई कांस्टेंट हो जाता है, और ये डी, सबसे पहले डी का मतलब समझिए, डी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, वेरी स्मॉल रेट ऑफ चेंज होता है डी। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमेशा होता है, जब भी वाई सी दिया होता है यानी कॉन्स्टेंट दिया होता है, 1 2 3 कोई नंबर दिया होता है, तो हमेशा रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है। आपको ही पता होगा जैसे कोई कि एथलीट 4 मीटर दौड़ा, तो भी एग्जैक्टली ये 4 मीटर ही दौड़ेगा वो, इसलिए तो यहाँ पे वो चेंज नहीं हो सकती इसकी डिजिट, इसलिए जब भी कॉन्स्टेंट होगा तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका पूरा की पूरा रीज़न लिखा है। फिर आ जाइए आप सेकेंड नंबर की फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले में लिखा है वाई इक्वल टू सी एक्स, सी बिल्कुल कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई जीरो जैसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्स जो होता है वो वेरिंग होता है, जब एक्स का मतलब है सी में बार बार होता रहेगा तो सी की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू, हमेशा हम ये क्या करेंगे, सी को तो बाहर निकाल लेंगे और डी एक्स डी का अंदर मल्टीप्लाई करके अपॉन डी एक्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है, और डी एक्स कट जाएगा और 1 आएगा। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल भी किया है मैंने, ठीक है ना, आप इससे समझ भी सकते हैं, और नहीं है तो आप एक बुक खरीद लीजिए, उसको कहते हैं प्रदीप फंडामेंटल, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी जो भी कांस्टेंट दिया है 2x दिया है, 2 बाहर निकाल के और ये 1 बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर, इसी तरीके से सी आ जाएगा आंसर, कॉन्स्टेंट आ जाएगा आंसर। फिर होता है हमारा थर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूले में वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन दी है, वेयर एन इज़ कॉन्स्टेंट, तो जब भी एन कॉन्स्टेंट हो और पावर हो, एक्स आपको एक्स ही दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, जो एन है कॉन्स्टेंट पावर दी जाएगी, तो इसमें होगा क्या, एन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, जो पावर दी हुई उसका एक्स में मल्टीप्लाई, तो एन एक्स की पावर एन माइनस, मतलब जो पावर दी है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें जब भी वाई इक्वल टू यू की पावर एन हो, वेयर यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी किसी भी न्यूमेरिकल में आपको एक्स ना मिल के कोई और चीज़ मिले और वो इसके इसके फॉर्मेट में हो, तब हम यू जो भी वो चीज़ होगी वो एक्स के फंक्शन में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन यू, बिल्कुल उसी की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन यू की पावर एन माइनस वन, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, और बस इसमें मल्टीप्लाई लग जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। फिर आ जाइए आप पाँचवें फार्मूले पे, पाँचवा फार्मूला कहता है वैन वाई इक्वल टू यू प्लस वी, इस फॉर्मेट में यदि आपको कोई भी सवाल मिले यू प्लस वी, वेयर यू प्लस वी इज़ द फंक्शन ऑफ द एक्स, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो वेयर यू प्लस वी इज़ द फंक्शन ऑफ द एक्स, देन बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में करते हैं, बिल्कुल डी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब आ जाइए, ये कुछ नहीं है, ठीक है, अब आ जाइए आप छठवें फार्मूले पे, छठवां फार्मूला कहता है वैन वाई इज इक्वल टू यू वी इक्वल टू देन,
मतलब जब भी ऐसे फॉर्मेट में हो, यू और वी का मल्टीप्लाई हो रहा हो इन द फंक्शन ऑफ द एक्स, तब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन, वो सॉरी फर्स्ट फंक्शन लिखा है यहाँ पे यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये फार्मूला याद करना है, वैसे अप्लाई करके देख लीजिए और कुछ डिफरेंशिएशन के सवालों की वीडियो भी आप तक पहुँच जाएंगी, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारा सेवन फार्मूला निकलता है, अभी मैं केवल आपको फार्मूले ही फार्मूले बताऊँगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद अपॉन वी, इस फॉर्मेट में यदि आपको कोई भी सवाल मिले तो हम क्या करेंगे, वी मतलब जो भी अपॉन में लिखा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन वी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। फिर आ जाइए आप 8 पे, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, जब भी लॉग एक्स हो और बेस ई चाहे टेन जो भी हो, ठीक है, लॉग एक्स हो, लॉग एक्स करके आप याद करिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/, ये बहुत सिंपल होता है, डायरेक्ट इसमें तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। फिर नौवीं आइडेंटिटी है आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ये आपको कहीं भी बदला हुआ नहीं मिल सकता, ये सबसे सिंपल फार्मूला होता है क्योंकि ये ई की पावर एक्स एज इट इज़ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ई की पावर एक्स ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब अगले पे बढ़ते हैं, अब साइन कॉस वाले पे आ जाते हैं, व्हेन वाई इक्वल टू साइन एक्स देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स हो जाता है, ये सिंपल होगा आपके लिए, और इसको जब याद करते हैं तो हमारा वाई इक्वल टू कॉस एक्स तो ये साइन एक्स होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसमें माइनस लगाना ना भूलें, यहाँ पर माइनस लगाना भूल जाते हैं कई लोग, लेकिन यहाँ आप ना भूलें, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब आ जाइए हमारे लास्ट पेज पे 12, वैन वाई इक्वल टू टेन एक्स, जब भी वाई हमारा टेन एक्स होगा देन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन और सेक का आपने रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, यदि ये नहीं पढ़ा आपने तो आपने टेंथ अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो जरूर पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, पता क्या होगा मतलब ये याद कर लीजिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये डायरेक्टली सवालों में पूछ लिया जाता है, कई सवालों में, कई मैं बार बार बोल भी रहा हूँ आपको, बाद में कई सवालों की वीडियो भी मैं भेज दूंगा। कॉट एक्स इक्वल टू वाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉट एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जब भी वाई कॉट एक्स हो तब क्या हो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, आपको पता होगा कॉट कोसेक का आपने वो भी पढ़ा होगा रिश्ता, तो जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरीके से यहाँ पे होगा कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी तक साइन कॉस में माइनस के वो चल रहे थे प्लस और माइनस, तो इसी तरीके से इसमें भी पहले प्लस और फिर माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। और अब आ जाइए वैन वाई इक्वल टू सेक एक्स, जब भी वाई सेक एक्स हो तब हम क्या करें, अभी तक तो ये आंसर में था अब यही क्वेश्चन में आ गया, तो वाई इक्वल टू सेक एक्स तब क्या करें, 14 भी आइडेंटिटी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक को जैसा है वैसा कि वैसा ही लिख लीजिए, और सेक का रिलेशन आपने पढ़ा है टेन के संग, तो टेन एक्स सेक एक्स लिख दीजिए बस, कोई स्क्वायर नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा, सेक एक्स जैसा है वैसा और टेन एक्स। फिर आ जाइए आप 15वें फॉर्मूले पे, वैन वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स जब भी होता है वाई तो बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कुछ नहीं है असल में, ये चीज़ को आप ध्यान ना दें, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, जैसे अभी हम करते आ रहे थे कोसेक एक्स, जैसे हमने सेक एक्स को सेक एक्स लिख लिया था वैसे कोसेक एक्स को हम लोग कोसेक एक्स लिख लेंगे, और उसका रिलेशन होता है कॉट के संग तो कॉट लगा देंगे, और प्लस माइनस का रिलेशन चल रहा था प्लस पहले फिर माइनस, प्लस पहले फिर माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस फिर माइनस, तो माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको
इंटीग्रेशन की वीडियो कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। आपका थैंक यू, मैं हूँ विनव राठौर।